हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीधत शर्मा और मेरे साथ है रोहित शर्मा जी। तो थोड़ी मस्ती, थोड़ा ज्ञान हमारा जो प्रोग्राम है आज, हम उसमें चर्चा करेंगे वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन की। तो हमारा जो आज का प्रश्न है रोहित जी, हमसे किसी ने पूछा है कि नॉन वेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। ये बहुत सारे जो हमारे खासकर जो हिंदू धर्म में के लोग, क्योंकि बाकी जो धर्म है जैसे क्रिश्चियनिटी हो गई या मुस्लिम हो गए, वो मीट खाते हैं और उनमें कोई में ऐसी भी उसमें उनमें मनाही नहीं हूँ। पहले तो मैं एक कहानी बोल, कहानी नहीं, एक जो है चंद लाइनें बोलना चाहूंगा जी। जो हमारे विद्वान कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन जी। तो इंसान जिस प्रकार का भोजन करता है उसका शरीर, उसकी सोच और उसका ऑरा वैसा ही हो जाता है, और ये सच्चाई है। पर बात यहाँ पर ये आती है कि क्या हमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाना चाहिए, मींस कि हमें वेजिटेरियन रहना चाहिए या नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन क्या है कि मीट है जी। अलग अलग देशों में नॉन वेजिटेरियन की जो परिभाषा है वो अलग है और वेजिटेरियन की परिभाषा जो है अलग है जी। कुछ लोग वेस्टर्न कंट्रीज ये मानते हैं कि जो वेजिटेरियन फूड है वो ये होता है कि जिसमें ब्लड ना हो, खून ना हो जी, वो अंडे को भी वेजिटेरियन और जो मछली को भी वेजिटेरियन मानते हैं जी। और कुछ लोग जो होते हैं वो वेगन, आजकल नया रिवाज चला है वेगन, वेजिटेरियन से भी आगे की बात करते हैं वेगन जी। तो यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर में वेगन की बात करते हैं जी। तो वेगन क्या होता है कि वो इवन कि वो दूध भी नहीं पीते, जो गाय से हमें दूध, वो कहते हैं कि जानवरों से कुछ भी जो हमें मिलता है हमने वो पीना ही नहीं है या खाना नहीं है जानवरों से। तो उसमें मछली भी आ गई, अंडा भी आ गया और सब कुछ आ गया जी। तो ये होती है वेगन डाइट, वो दूध भी नहीं पीते। दूध पियेंगे तो एलमंड मिल्क, एलमंड मिल्क बादामों का जो निकला हुआ उनमें से दूध निकालते हैं उसको पीते हैं वो, या सोया मिल्क पीते हैं जी। तो हर एक मुल्क में हर एक तरह की, आजकल तो इतना, अगर मैं बताऊं तो आधा घंटा इस पे बताने पे लग जाएगा कि वेजिटेरियन फूड क्या है और नॉन वेजिटेरियन फूड क्या है जी। ये चीजें बताने में ही आधा घंटा हमें लग जाएगा। लोग कॉमन चीजें रोज की, हाँ वही मैं बात कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ आपके साथ कि जी। जो बात हम यहाँ पर इस टॉपिक को ऐसे लेंगे कि क्या हमें मीट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, हम इस बात पे आ जाते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की अलग अलग देश और प्रांत में अलग अलग परिभाषाएं हैं, और जैसे मुस्लिम कंट्रीज में भी कुछ लोग मानते हैं कि हलाल फूड, वो आपने देखा होगा हलाल, और वो कहते हैं जो सी फूड होता है वो सारा ही हलाल होता है। अलग अलग तरह के जीव है, अलग अलग तरह के जंतु हैं, कुछ लोग सांप केकड़े सब कुछ खाते हैं। थाईलैंड आप पाली जाए तो आपको अलग अलग तरह की चीजें खाने को मिलेंगी। ये तो अकॉर्डिंग टू कंट्री टू कंट्री होगा। हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन की परिभाषा हर कंट्री में अलग है और हर जो है जो प्रांत में अलग है। और कुछ ये कहें कि कुछ लोग आजकल वेगन डाइट की बात कर रहे हैं, उसकी भी बात मैं कर रहा था। बात आकर हम इसको छोटा एक मुद्दा लेके आ जाते हैं कि क्या हमें मीट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो अगर हम वेगन पे बोलने लग पड़े कि जो दूध है जानवरों से आता है, वो जानवरों से आई कोई भी चीज उनको पसंद नहीं, वेगन कि हमारी सृष्टि को साइंस ने दो चीजों में डिवाइड कर दिया है, एक है प्लांट्स और एक है एनिमल्स। तो जो जो वेगन होते हैं, वेजिटेरियन में तो हम कुछ और परिभाषा बोलते हैं, जो जो सिर्फ पेड़ पौधों से वनस्पति से जी। जो प्लांट्स होते हैं वो जिन जो चल फिर नहीं सकते, स्थिर है जी, जिनमें कोई मूवमेंट नहीं है, और जो एनिमल्स हैं जो दोनों ही ग्रो करते हैं, दोनों ही बड़े होते हैं जी। दोनों में ही जान है, पर वो एनिमल्स जो मूव करते हैं जिनमें आगे कुछ खिलजुल होती है उसको हम एनिमल्स बोलते हैं। तो बात करते हैं कि क्या हमें मीट खाना चाहिए कि नहीं। इस विषय पे मैंने बहुत देर तक रिसर्च की और कुछ इसके जो रिजल्ट्स नहीं मिले, और एंड में मेरे मन में जब मैं बहुत देर से रिसर्च कर रहा था तो एक आंसर मिला और वो आपके साथ इस के वीडियो के दौरान आपके साथ शेयर करूंगा। तो जैसे अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, यहाँ पर वेजिटेरियन रहना बहुत मुश्किल है आम लोगों के लिए। 90 या 95% लोग विदेशों में जो है वो नॉन वेजिटेरियन ही है, और अगर आप किसी होटल रेस्टोरेंट में जाओगे तो एक ही तरह की आपको वेजिटेरियन फूड मिलेगा और 10 तरह की नॉन वेजिटेरियन डिशेस मिलेंगी आपको।
और ये बात है कि यहाँ पर कुछ लोग साइंस भी कुछ मानती है और कुछ लोगों का भी मानना है कि जो वेजिटेरियन फूड है वो हमें पूरी ताकत नहीं दे पाता। अलग अलग तरह के क्वेश्चन जब बहस चढ़ती है तो लोग कई प्रकार के आपके साथ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैं सभी क्वेश्चंस की शुरुआत करूंगा तो वो ये कहते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, जो हमें सिर्फ एंड सिर्फ एनिमल से ही मिल सकती हैं, और वो एनिमल प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं और वो हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी हैं, और वो कुछ खास तरह के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमें पेड़ों में या एनिमल साइड में नहीं मिलती। और आगे हम बात करें तो वो ये भी कहते हैं कि देखिए कि अगर आप एक अंडा ले लें तो अंडे को अगर आप वो टेम्परेचर दें, अच्छा टेम्परेचर दें, और उसमें से क्या होगा कि चूजा निकलेगा। और अगर आप अंडे का आकार देखें और एक कनक के दाने का आकार देखें, दोनों का आकार अंडाकार है, सेम है, और अगर वही कनक का दाना आप मिट्टी में बोएंगे तो उसमें से पौधा निकलेगा, तो दोनों में जान है, तो दोनों को आप अगर खाते हैं तो वो जान तो दोनों में है, अगर ये सोच के चलें। तो बात ये नहीं कि हम किसी को मारकर खा रहे हैं, हम किसी को गलत कर रहे हैं। हमें अगर हम ये माने तो हमें ईश्वर ने बनाया है, उस ईश्वर की हम संतान हैं और उसी ईश्वर ने हमें पेट दिया है। तो आगे मैं बात करता हूँ तो मेरे मित्र कहते हैं कि ये गलत बात है कि नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं। तो आप लोग अगर मंदिर जाते हैं तो मंदिर देखें कि जो दुर्गा है उसका जो वाहन है वो शेर है। अब शेर जो है वो ईश्वर ने बनाया है और वो मीट खाता है, और वो आगे जाकर वो दुर्गा का वाहन बन गया, मींस कि एक होली प्लेस में उसको एक प्लेस दी हुई है। अगर आप ये मानकर चले कि जो मीट खाना है कि वो गलत है, अगर मीट खाना गलत है तो ईश्वर ने ये गलती क्यों की, उसने वो जानवर क्यों बनाए जो मीट खाते हैं, तो यहाँ पर क्या ईश्वर गलत है? ये हम देख रहे हैं कुछ जानवर जो है वो हर्बीवोरस है, कुछ जो कार्निवोरस है, ये इंग्लिश के साइंस के वर्ड में यूज कर रहा हूँ। हर्बीवोरस होता है कि घास फूस खाने वाले, कार्निवोरस होता है कि मीट खाने वाले, मांस खाने वाले, और ओमनीवोरस होता है कि सब कुछ खाने वाले। तो जैसे सुअर एक ओमनीवोरस प्राणी है, उसको जो मिले सब खा लेता है। तो आजकल तो जो है कि देखें कि इंसान ये मीट वगैरह क्या, वो तो मेरे को लगता है कि इंसान की बनाई प्लास्टिक की खा रहा है, सीधी सी जो बात है। तो मीट की तो बात ही छोड़े, आजकल तो ये लगता है कि हम लोग प्लास्टिक सब कुछ, चाहे बीपीए फ्री है, प्लास्टिक के कप में चाय है, प्लास्टिक के कप में टिफिन है, और उसको माइक्रोवेव करते हैं, और इतनी ज़रा आप देख रहे हैं कि कैंसर वगैरह हो रहा है। तो इंसान आजकल मेरे को लगता है कि रोटी तो नहीं खा रहा, प्लास्टिक ही खा रहा है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा समुद्रों में मछलियों के पेट में से प्लास्टिक निकला है, उधर ऑपरेशन किए उन्होंने डॉक्टरों ने, पंछियों के पक्षियों के पेट में से बहुत अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें निकल रही हैं, और हमने अपने संसार को, इस प्यारे से जो धरती है इसको एक हमने नरक बना दिया है अपने ही करतूतों से। आगे हम बात कर रहे थे कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की, कि अगर हम कहें कि हमें मीट नहीं खाना, हम किसी जानवर को मारकर खा रहे हैं, हम किसी की जान ले रहे हैं, तो बात वहीं पर आ जाती है कि पेड़ पौधे में अब हम मूली को उखाड़ते हैं, शक्करकंदी को उखाड़ते हैं, कोई अब आप फल तोड़ते हैं, तो फल जो है वो तोड़ते हैं तो एक पेड़ के साथ वो जुड़ा हुआ है, उसको दुख हो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है। साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि पेड़ पौधों में भी नर्व्स होती हैं, उनको भी दुख का एहसास होता है, तकलीफ होती है, यहाँ तक साइंस ने बोल दिया कि वो सुनते भी हैं। और आप देखिए कि जब उसको फल को हम तोड़ते हैं और उसमें कितने बीज होते हैं, और कई बार वो पता नहीं कितने सैकड़ों पौधे बना सकते हैं। तो अगर तो हम एक जानवर को काटते हैं तो वो तो एक ही जानवर है, पर वहां पर हम देखें कि एक हमने फल तोड़ा तो फल के आगे देखें कि उसमें 50 सीड्स हैं। एक कनक जो है अगर हम रोटी बनेगी तो पता नहीं कितने हजार कनक के दानों से बनेगी। तो वो जो चीज है इसको हम सोचें और समझें कि अगर हम ये माने कि, जैसा मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि अगर हम ये सोचें कि जो किसी की जान लेना जुर्म है जी, तो ईश्वर ने खुद ही ऐसे जानवर क्यों बनाए कि जो मीट खाते हैं या दूसरे जानवरों को खाते हैं? चलिए ये तो अपने की जानवरों की बात कि ऐसे जानवर क्यों बनाए भगवान ने जो एक जानवर दूसरे को खा जाता है, ठीक है? नहीं, क्यों बनाए अगर ये मीट खाना गलत है? गलत है, मैं आपको बताती हूँ। गलत नहीं मैंने बोला कुछ, मैंने पहले जब क्वेश्चन किया मैंने ये नहीं बोला, कुछ गलत का नजरिया पूछ रहा हूँ। मेरा नजरिया, मैं अपना नजरिया जरूर शेयर करूंगी। मैंने ये बोला कि अगर कोई नॉन वेज है या कोई वेजिटेरियन है, ठीक है,
मेरे अकॉर्डिंगली कि उसकी थिंकिंग अलग है उससे, सोचने की भी खाने की भी, मेरी और हो सकती है। मान लीजिए आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आपकी थिंकिंग नॉन वेजिटेरियन को लेकर वो पूरी तरह फिट हो गई, ठीक है, मेरी उस पर फिट हो गई कि ये मैं वेजिटेरियन ही खाऊंगी। ये सिर्फ एक साइकी है, ये दिमाग का, हमारे एक दिमाग में जो आप कह लीजिए कि मेरे दिमाग में है ये कि मैंने नॉन वेज खाना ही नहीं है। चाहे मेरे को कोई कहते, कोई लॉजिकली बता भी देना कि इस चीज को हम ऐसे, ये कुछ है नहीं, इसमें प्रोटीन नहीं है, आप क्यों खाते हो, या इसमें ज्यादा अच्छी चीजें हैं, आप ये क्यों नहीं खाते। इवन डॉक्टर्स जो हमें बोलते हैं कि एग्स खाओ, हर चीज बोलते हैं यहाँ पर, आपको पता है फॉरन में तो डॉक्टर पूरी तरह बोलते हैं जो वेजिटेरियन है आपकी कोई डाइट नहीं है, आप ये चाहिए खाओ बोलते हैं। पर ये एक पॉइंट पे आकर सिर्फ दिमाग और दिल पर अटक जाती है बात कि हम खा ही नहीं सकते। देखिये, अटक जाती की बात ये आपने बता दी कि साइकी है, ये बात में से मैं बिल्कुल असहमत हूँ। अगर आपको मैं बोलूं, बंदे की साइकी जो होती है वही नहीं रहती बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, उसके हर पड़ाव में वो साइकी चेंज होती है जी। तो अगर आप देखें कि अगर आपकी साइकी बन गई है, आपको एक टीचर ने गलत पढ़ा दिया है कि दो दो प्लस एक जो होते हैं वो चार होते हैं, और आपको दस बंदे आपको बता रहे हैं कि यार दो प्लस एक चार नहीं होते, तीन होते, तो क्या आप वही साइकी बना के बैठ जाओगे? वो साइकी नहीं, इंसान अपनी साइकी, इंसान अपना पहरावा, इंसान अपनी सोच समाज के साथ बदलता है, और अपनी अपनी बातें, अपने विचार बदलता है, अपनी हरकतें बदलता है, यहाँ तक कि अपने आप को बदलता है जी। तो यहाँ पर मैं ये बात को बिल्कुल ही यहाँ पर ये बोल देता हूँ कि मैं इस बात से असहमत हूँ कि एक बंदे ने अपने, फिर तो आप बोलेंगे कि यार ये बंदे ने दुनिया देखी नहीं। मेरे मम्मी को बहुत लोगों ने बोला आप वेज क्यों खाते हो, आप नॉन वेज क्यों नहीं खा लेते। देखिए, यही तो हमने प्रश्न उठाया है, हम तो बात कर रहे वो बात अच्छा चले ठीक है ना। तो आपने ये पूछा ना कि आप क्यों, मतलब कि मेरे को पूछ रहे, तो मैंने ये बोला कि मेरी थिंकिंग हो सकती है नॉन वेज को लेके कि मेरा दिल ही नहीं करता उस चीज को, उस पे जाने को, या क्या लेके मेरी सोच ऐसी बन गई कि ये चीज खाने से मेरे को क्या मिल जाएगा। देखिए, सोच आपकी बन गई तो मैंने ये बोल रहा हूँ कि इंसान की सोच बदलती है, बदलती आपकी सोच, आपकी सोच बचपन में कुछ और भी बनी होगी, ठीक है कि नहीं, कुछ और आपने सोचा होगा कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, ठीक है, आपकी सोच बदली होगी, आपने सोचा होगा कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, मैं ऐसा रहूंगी, मैं ये करूंगी, और कई बार इंसान बदलता है वक्त के साथ, हालात के साथ, दुनिया को देखकर अपनी सोच बदलता है। तो और ये चीज को लेकर थोड़े विचार लोगों के अलग हो जाते हैं, खान पान को लेकर हर किसी का टेस्ट अलग होता है, हम नहीं कह सकते कि हर किसी का टेस्ट सेम हो जाता है। हर फैमिली में भी देख लीजिए, एक सब्जी बनी होती है तो घर में बोलते हैं अरे ये सब्जी बनी और कोई बनाओ, मैंने नहीं खानी, तो टेस्ट हर किसी का डिफरेंट होता है। देखिए, हम तो ये निष्कर्ष पे, हमारी जो डिस्कशन है वो ये नहीं है कि किसी की साइकी क्या बनी है क्या नहीं, ठीक है, हमारी ये है कि क्या वो सही है या गलत है जी। बिल्कुल, हमारा क्वेश्चन ये चल रहा है कि क्या हमें खाना चाहिए ना, साइकी की बात नहीं कर रहे हैं। साइकी मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि हम साइकी को चलो नाव बीच में लाएं, मतलब कहने का ये था कि टेस्ट होता बंदे का, कि वो टेस्ट से नहीं बाहर आता। अब कई एक आज मेरी फ्रेंड से बात हुई, मैंने कहा कि आज क्या बना है, वो बोलती यार मैंने परसों दाल बनाई, कल मैंने पनीर की सब्जी बनाई, आज मेरे हस्बैंड बोलते दो दिन हो गए मैं वेजिटेरियन खा रहा हूं, आज चिकन बनेगा, तो कहती मेरा दिल नहीं करता खाने को, पता नहीं क्यों। ऐसे टेस्ट की बात कर रहे हैं आप, तो टेस्ट की बात, तो टेस्ट तो हर हर बंदे के चेंज होते हैं, और बंदा कोई भी एक टेस्ट में नहीं रह सकता, आप एक बात बढ़े रहे, टेस्ट की बात कर रहे, मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो टेस्ट की अगर बात करें तो जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसके तो टेस्ट ही अब कितने कितने हैं, वेजिटेरियन फूड तो उसके जितने उसमें टेस्ट है जितनी तरह का नॉन वेजिटेरियन फूड है वो तो उसके पाँव में नहीं छू सकता। टेस्ट की अगर आप टेस्ट की बात करें तो सी फूड में 10 तरह के टेस्ट है, मीट में 50 तरह के टेस्ट हैं, मीट में 50 तरह के टेस्ट हो सकते हैं, वेज में भी 50 तरह के टेस्ट हो सकते हैं। हम चर्चा इस पे बात पर ही लेके आ रहे हैं कि हाँ जी, मैं वही लेके आ रहा हूँ कि बात टेस्ट की नहीं होती, बात ये चीज बोली है कि वेज खाना चाहिए या नॉन वेज, जो भी चला हमारी बात हो रही है, बात होती है तो कहीं ना कहीं जरूर होती है, टेस्ट की नहीं होती। ये नहीं होता कि किसी का टेस्ट दाल में, तो सारी जिंदगी वो दाल ही खाता रहेगा, वो एक चीज भी नहीं खाता, मीन तो ट्राई करता ही है, चल रहे हैं ना वेज में लेकर, टेस्ट की बात नहीं, बात हम आगे बढ़ाते हैं। तो बात मैं कर रहा था कि देखिए कि जो चीज है कि ये इसमें जान है या प्लांट है या एनिमल है जी, तो उसकी बात कर रहे थे, या मैंने बताया था कि कुछ हर्बीवर्स होते हैं, कुछ कार्निवर्स होते हैं, कुछ ओमनीवर्स होते हैं, और मैंने बात की थी कि अगर ये गलत है तो ईश्वर ने ही वैसे जानवर क्यों बनाए हैं।
देखिए बात मैं ये कर रहा था कि जो ईश्वर है अगर ये गलत है तो ईश्वर ने जी ऐसे जानवर क्यों बनाए कि जो जानवर को खाते हैं, अगर ये गलत है तो हम सृष्टि से हम देखें जी। तो बात मैं इसका आंसर ये है कि देखिए जो ईश्वर ने है यहाँ पर फूल बनाया है वहां पर कांटा भी बनाया है जी। तो ईश्वर ने जहां पर दिन बनाया है वहां पर रात भी बनाई है, ये हमें तय करना है कि कौन सी चीज हमारे लिए बेहतर है। बिल्कुल ठीक है, बेहतर ईश्वर ने सृष्टि में सब कुछ ही बनाया है, हर तरह के जीव जंतु बनाए हैं। अगर कोई आपसे ये प्रश्न करता है वेजिटेरियन बंदे को कि देख यार अगर ये बात है, पहला प्रश्न वो ये उठाएंगे कि आपको जो है पूरी तरह का आपको उसके अमीनो एसिड प्रोटीन्स नहीं मिल रहे हैं, और दूसरा प्रश्न आपसे वो ये करेंगे कि ये ईश्वर की बनाई चीज है, देखे कि हर जानवर जो है वो जानवर को खाता है, ईश्वर ने बनाया है तो क्या गलत है। तो देखिए ईश्वर ने तो सब कुछ ही बनाया, ईश्वर ने जहर भी बनाया है और ईश्वर ने मीठा भी बनाया है, ईश्वर ने नमक भी बनाया है और सारा संसार ईश्वर ने बनाया है। तो जैसे कि क्रिश्चियनिटी में मानते हैं कि आप कुछ भी खा सकते हो, व्हाट एवर गोज इनसाइड यू इट्स ओके। तो मुस्लिम धर्म में मानते हैं कि ये हलाल फूड है, सुअर नहीं खाना, पर उसमें भी आगे कई पाबंदियां हैं कि आप कई बार खा सकते हो, अगर आपको कुछ मिल नहीं रहा तो मरने से बेहतर है कि आप उसको खा लो। तो बाकी अगर बात आगे इसको बढ़ाएं, ये जो क्वेश्चन है इसका हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जरूरी नहीं है कि ईश्वर ने अगर वो जानवर बनाए हैं तो हम भी इंसानियत छोड़कर हम भी जानवर बन जाएं। ठीक है जी, हमें ये देखना है, ये तय करना है क्या चीज बेहतर है और क्या चीज हमारे लिए नहीं बेहतर है। उसके बाद जो नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोग होंगे वो आपके साथ बहस में चढ़ जाएंगे कि वो बहस ये करेंगे कि देखें ये साइंस ने प्रूव किया हमारे दांत जो है केनाइन से, ये जिसको हम सुए बोलते हैं जो दांत तीखे होते हैं जी। तो उसने वो आपको बताएंगे कि जितने भी जानवर हैं जो घास फूस खाने वाले हैं उनमें ये चीज नहीं होती, जितने भी जानवर आप देख लें जी तो उनमें केनाइंस नहीं होती, और जितने भी मीट खाने वाले होते हैं बिल्ली शेर कुत्ता भी मीट खाता है, घर में कुत्ता ही देख लें उसके भी केनाइंस होते हैं जी। तो उनमें केनाइंस होते हैं जो सुअर जो लंबे दांत जो मांस को चीरने वाले दांत होते हैं जी। तो ये चीज का आगे वो आपसे प्रश्न रखते हैं और कई और भी तर्क किए जाते हैं जिनके बेस पर ये आप कहीं ना कहीं आप फिसल जाते हैं कि शायद जो है कि मैं गलत हूँ और जो मीट है वो खा लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए खाओ जो और करता है खाओ। हाँ मीट जो है वो खा लेना चाहिए जी। पर देखिए इस जो टॉपिक है जितना मर्जी इसको खींच लें इसका कोई अंत नहीं है और इसका एक ही उत्तर है, और वो उत्तर जिसको समझ में आ गया उसको सारी बात समझ में आ गई। देखिए जान भी हर चीज में है, ये नहीं कई बार हम क्या करते हैं हम नवरात्रों में आलू वो अनियन और लहसुन भी नहीं खाते, गार्लिक जिसको बोलते हैं, और कई लोग तो काफी ज्यादा शुद्धि रखते हैं जो असली वैष्णव जो होते हैं। तो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, और इस चीज को समझना, बात हमारी स्टार्ट हुई थी कि हमें मीट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए और बात यही पे स्टार्ट हुई थी कि जैसा आप खाएंगे वैसा आपका ऑरा हो जाएगा, वैसी आपकी बॉडी की चमक होगी, वैसी आपकी रौनक हो जाएगी। और देखिए कि कई बार ये होता है कि जो जितने भी आप रेसलर्स देखेंगे, जितने भी आप बलिष्ठ लोग देखेंगे जी, उनको डॉक्टर्स और उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस से बताया होगा कि उन्होंने प्रोटीन्स ज्यादा लिए और एनिमल प्रोटीन्स लिए। देखिए जो और आपको बता दिया कि जो केनाइंस है वो हमने हमें इंसान को दिए हैं जी, और हमारे नाखून भी जो है और ग्रिप करने की पावर भी हमें है जी। तो मैं बात यहाँ पर आपको खत्म करूंगा इस टॉपिक की। देखिए कि रब ने हमें ना हर्बीवर्स बनाया है ना कार्निवर्स बनाया है, रब ने हमें ओमनीवर्स बनाया। रब ने जब इंसान बनाया तो इंसान में सब खूबियां दे, सब कुछ दे दिया इंसान को उसने, उसने कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा कि जिससे इंसान अपने आप को ये समझे कि मैं कहीं ना कहीं पीछे हूं जी। तो उसने अलग अलग बनाए जानवर, हर्बीवोरस जो सिर्फ घास खाते हैं जी जी, कार्निवोरस जो मीट खाते हैं, और इंसान बना दिया ओमनीवोरस की वो जो मर्जी खा सकता है, जो मर्जी खाए दर्शकों। हाँ रब ने ये बना दिया जी, पर आगे रब ने उसको दिमाग भी दिया और समझ भी दी जी कि क्या सही है क्या गलत है, इसका जो निर्णय है तुम्हें करना है जी। बिल्कुल, और देखिए इसका जो आंसर है जो मैंने बहुत रिसर्च के बाद जो पाया है, एक मैं आपको उदाहरण देता हूं।
देखिए सीरथ जी, अगर आपके जो घर में आपकी दो बहनें हैं या आप दो बहनें हैं, तो आपके जो पिताजी हैं जी, वो दोनों को पैसे देते हैं जी, ठीक है कि नहीं जी? आपकी जो दो बहनें हैं उन दोनों को पैसे मिलते हैं जी, और जो एक बहन है जी, वो थोड़ा सा कमाती भी है जी, ठीक है कि नहीं जी? और उसको भी पॉकेट मनी मिल रही है, आप सबसे छोटे हैं जी जी, वो तो उसकी अपने भी कमाई है जी, और उसको पिताजी से भी पैसे मिल रहे हैं जी। जो दूसरी बहन है जी, वो कमाती नहीं है, वो सिर्फ पिताजी के पैसे पे अपना जो पॉकेट मनी है उसके साथ वो चलती है जी। तो आपको पैसे चाहिए, पिताजी से आप मांगते नहीं, पिताजी आपको देते नहीं जी, कुछ भी कारण हो सकता है जी। अब आप कौन सी बहन से मांगना पसंद करेंगे वो पैसे, अगर आपको चाहिए? इस चीज का क्या मतलब है जी? मैं आपने सिंपल क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा, तो इसका जवाब ये हो सकता है कि वो अगर वो मांगती नहीं है। क्या बोला आपने लास्ट में? आपकी दो बहनें हैं जी जी, ठीक है जी, जी। दो बहनें आपकी हैं, एक बहन कमाती है, एक बहन कमाती है, एक कमाती नहीं है, एक नहीं है, दोनों को आपके पिताजी पैसे देते हैं जी, तो थर्ड वाली तो क्या बोला? थर्ड वाली तो आप हैं जी जी, क्या बोला? आपको पैसे नहीं देते जी, कुछ भी कमाते भी नहीं, कुछ कमाते तो है ही नहीं, आप सबसे छोटे हो, ठीक है। आपको पैसे चाहिए जी, चाहिए होते जरूरत के लिए, ऑफ कोर्स आपके पिताजी आपको दे नहीं रहे। अच्छा, आप कौन सी बहन से पैसे मांगना पसंद करोगे? दोनों से मांगना पसंद करोगे, दोनों बड़ी है। अच्छा जी जी, कौन अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो आप क्या चुने? सीरत शर्मा को चुने। किस बहन को चुनेंगे जी? बड़े हैं दोनों, तो दोनों को किसी को भी चुन सकते, इसमें क्या है? कोई इसका रीजन बताएं, कोई लॉजिक बताएं, किसको? एक को आपने चुनना है और रीजन बता रहे हैं, चुना एक आपने? को चुनना है जिससे उसको मांगने में हिचकिचाहट नहीं होगी, एक दूसरे नंबर पे पता है जिसके अभी बोलूंगी तो ये चीज मिल जाएगी, उसको बोलूंगी, ठीक है? वैसे तो दोनों ही दे देंगी, अगर ऐसी कोई बात नहीं है। आपने किसी एक को चूज करना है, दोनों ही आपके साथ सेम व्यवहार रखती हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हिचकिचाहट, जो भी आपने बोला, तो बड़ी से मांगूंगी। बड़ी से किससे मांगेंगे? जो सबसे बड़ी है। अच्छा, मान लें कि वो काम नहीं करती, जो मिडल वाली है वो काम करती है, तो उससे मांग लेंगे। किससे मांग लेंगे? मिडल वाली से मांग लेंगे, अगर ऐसी बात है। क्यों मांग लेंगे? खुद ही तो बोला आपने, लॉजिक बताया ना आपका, क्या लॉजिक है, आपने किस लॉजिक से ही चला? लॉजिक देखिए, दोनों बड़ी है तो मेरे को लगा कि पहली बात ये आती है कि अगर पिता भी नहीं दे रहे तो कमा लेने चाहिए, खुद कुछ कर लेना चाहिए। आप ना कमा सकते हो, ना पिता दे रहे हैं आपको, ये कैसा लॉजिक, ये कैसा क्वेश्चन आ गया? ठीक है, अगर कमा भी इसी नहीं आंसर रहे में तो मैं सारा आंसर इसका निकाल लूंगा, तो मैं बड़ी सिस्टर से मांग लूंगी, ठीक है, जो मेरे से बड़ी है। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो काम कर रही है, जो काम कर रही है। अच्छा जी, जी ये आपका उत्तर है जी। तो सेम चीज है कि देखिए, हमारे पास एक वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, एक जानवर है जी। जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना जी खुद बना सकते हैं जी, ठीक है जी। वो सूर्य से जो मेन सोर्स है वो सूर्य की रोशनी है, धरती पे जितना भी खाना है कहाँ से पैदा होता है? प्रकाश से, सूर्य की रोशनी से। खाना कोई ईश्वर तो नहीं आके उनको देता जी जी। तो जो सबसे पहला खाना बनता है वो कहाँ से बनता है? सूर्य के प्रकाश से बनता है, और वनस्पति को मिलता है जी, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कुछ जानवर, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसा होता है जो उस प्रकाश से खाना बना सकता है जी जी। अब जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जिनमें हम भी आते हैं। हम अगर धूप में खड़े हो जाएं तो क्या हमारा, हम खाना बना लेंगे अपने लिए? हमारा पेट भर जाएगा? कभी भी नहीं। हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ वो चीज चाहिए, किसी और को खाएंगे हम, जो हमारा भोजन हो सकता है, वो वनस्पति भी हो सकती है, मीट भी हो सकता है, अंडा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फल फूल कंद मूल भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकती है जी। तो हम वो चीज खाएंगे जो सही है, जिसमें हमें हमारी रूह के कि तुमने कुछ गलत नहीं किया जी।
अब देखें कि जो पेड़ पौधे हैं वो तो अपना खाना बना रहे हैं, और जो जानवर है वो बेचारा तो किसी और पे निर्भर है अपने खाने के लिए, चाहे वो दूसरे जानवर पे निर्भर है। शेर जो है वो खरगोश को या बकरी को खा रहा है, तो बकरी बेचारी क्या खा रही है, घास फूस खा रही है। तो शेर बकरी पे निर्भर था, या ये कहें कि जो बकरी है वो घास पे निर्भर थी और आपने बकरी को खा लिया। बकरी बेचारी जो जानवर है वो बेचारा या मछली है वो अपना भोजन तो आप बना ही नहीं पा रही, वो अपने लिए भोजन बना ही नहीं, वो किसी पे डिपेंड है अपने भोजन के लिए, और उसकी डिपेंडेंसी जो है वो जो दुनिया है उसी में है। और आप जब वनस्पति को खा रहे हो तो वनस्पति किसी पे डिपेंड नहीं है अपने खाने के लिए, पेड़ पौधे किसी से मांग के नहीं खा रहे जी। उनको ईश्वर रोशनी दे रहा है, वो खुद बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर आप उनकी मेहनत का कुछ हिस्सा खा रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है जी। पर अगर आप किसी जानवर को खा रहे हो जो बेचारा खुद ही अपना खाना नहीं बना रहा, तो कहीं ना कहीं आप एक चोरी कर रहे हो जी। आपको लगेगा कि कुछ आप गलत कर रहे हो जी। जैसे कि मैंने उदाहरण दी कि दो बहनें आपकी जी, बिल्कुल, एक खुद कमा रही है जी, ठीक, खुद कमा रही है मीन्स कि खुद खाना बना रही है जी, और एक पिता पे निर्भर है। मैंने एग्जांपल दे दी कि दोनों पिता पे निर्भर है, पिता कुछ भी हो जाए, पिता सूर्य समझ लें जी, तो आप उससे पैसा मांगना अच्छा समझेंगे कि जो कुछ कर रही है, जो किसी और पे निर्भर नहीं है, जो इंडिपेंडेंट है, या जो खुद किसी पे डिपेंडेंट है, आप उससे मदद मांगना। एक एग्जांपल देता हूं, आपने कहीं जाना है तो आप उस बंदे से मदद मांगोगे जो खुद किसी पे डिपेंडेंट है, जो खुद आगे किसी से पूछेगा कि यार मैं देखूंगा, या आप डायरेक्ट उस बंदे को कॉल करोगे कि जिसके पास साड़ी, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास गाड़ी है कि उसकी अपनी गाड़ी है, एक बंदे के पास ड्राइवर है जी। आपने मान लो कि आपने टैक्सी करवानी है जी, जी। तो आपके पास दो बंदे हैं जी। एक दोनों ही ड्राइवर हैं, एक को पहले गाड़ी देखनी पड़ेगी, उसे मिलेगी नहीं मिलेगी, गाड़ी कहीं से ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, और एक के पास गाड़ी उपलब्ध है जी। तो आप उसको फोन मारोगे जिसके पास गाड़ी आगे ही उपलब्ध है जी, बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि अगर हम देखा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंसान को ईश्वर ने ओमनीवर्स बनाया है, इंसान को ऐसा बनाया है कि वो किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी रहे, उसे कुछ ना कुछ भोजन की प्राप्ति होती रहे जी। अगर वो अंटार्कटिका में बैठा है तो मछली खाकर भी अपना गुजारा कर ले, अगर वो समंदर में भी कहीं गया है, लंबी लंबी यात्राएं करे, कर्म करे, इंसान का मकसद ही है कर्म करना, दुनिया देखे, घूमे फिरे, कर्म करता रहे, एक्टिव रहे, तो उसको भोजन की कमी ना आए, वो किसी प्रकार का भी भोजन कर सकता है, उसको ऐसा बना दिया है। हम जितनी प्रकार का भोजन करते हैं, सृष्टि में कोई भी जानवर उस प्रकार का भोजन, उस वैरायटी का भोजन नहीं कर सकता जी। कोई भी एनिमल जी सृष्टि में ऐसा नहीं है जी कि वो इतना उसको वेरिड मीन्स कि इतनी वैरायटी का उसको खाना मिला हो जी। तो इंसान एक सबसे सुप्रीम पावर बना दी जी ईश्वर ने, उसको ये बना दिया कि वो कुछ भी खा सकता है जी, उसको एक पावरफुल बंदा बनाया। जैसा आप देखें कि अगर हम चलें तो स्कूल की एक देखें तो एक हायरार्की होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी होती है, तो पीएन के पास कुछ पावरें हैं, टीचर के पास कुछ पावरें हैं, हेड ऑफ द एचओडी के पास कुछ पावरें हैं जी। तो जो एक प्रिंसिपल होता है उसके पास पूरी पावर्स होती है कि वो कहीं भी कोई भी पावर अपनी इस्तेमाल कर ले जी। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, आप कभी भी ये ना सोचें कि जो इंसान है वो जानवरों से ऊपर है, अहम ना रखें। अगर धरती पे जितना हक हमारा है उतना ही जानवरों का भी है, बिल्कुल। ये नहीं है कि हम उनसे भड़े आगे, हम उनसे ज्यादा ज्ञानवान है तो हम अपने आप को एक अहम में आ जाए। यहाँ पर एक कहावत है कि अगर एक पक्षी छोटी छोटी चींटियों को खाता है जी तो उसके मरने के बाद
वो छोटी छोटी चींटियां उस पक्षी को खाती है, ये सृष्टि है। तो कभी भी आप ये ना समझे कि हम सबसे बड़े हैं। और जिस दिन आपने ये समझ लिया कि हम सबसे बड़े हैं, धरती पे हम सबका एक जैसा ही हक है। जैसा एक घर में चार पांच बच्चे हैं तो सबको एक जैसा हक होता है जी जी। पर ये होता है कि आपके माता पिता किसी एक बच्चे को कुछ अलग प्यार, अच्छा प्यार करते, ज्यादा प्यार करते होते हैं जी। प्यार सभी को उतना ही होता है जी। एक एक अटैचमेंट होती है, एक खुशी होती है जी, क्योंकि उसमें कुछ अच्छा होता है और अच्छाई हमेशा अच्छी ही लगती है सभी को जी जी। और उसी तरह ईश्वर ने इंसान में कुछ अच्छाइयाँ दी हैं, पर इंसान को चाहिए कि वो अच्छाइयों को अपने बरकरार करके रखे। जिस दिन वो इंसानियत और अच्छाई छोड़कर जानवर बन गया, बिल्कुल उस दिन ईश्वर उससे दूर चला जाए। और उत्तर यही है कि अब मैं आप पे छोड़ता हूँ। रब ने, ईश्वर ने आपको ओमनीवर्स बनाया है। आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या सही है, क्या गलत है, मैंने उत्तर दे दिया है। बिल्कुल, फैसला हर किसी का अपना अपना है कि हर इंसान का खुद का फैसला है, खाना है नहीं है। गाइड हर कोई कर सकता है, लॉजिक के साथ हर कोई समझा सकता है, पर हम इंसान हैं तो हमारे पास दिमाग है, दिल भी है। दोनों का इस्तेमाल करें, जो दिल करता है खाएं, अच्छा खाएं। इसी के साथ ही हमारी प्रोग्राम और टेस्टी खाएं, और टेस्टी खाएं जैसा आपने कहा कि बिल्कुल टेस्टी खाना खाएं, चाहे जो भी आपको पसंद हो, वेज नॉन वेज। चलिए, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम की समाप्ति होती है। धन्यवाद।